अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेट लॉस स्पेशल चिकपी सैलेड रेसिपी। ये सैलेड रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, वो भी बिना झंझट के। तो चलिए आज की मज़ेदार सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। चिकपी सैलेड बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप उबला हुआ काबली चना। इसमें हम मिलाएंगे कुछ वेजिटेबल्स, बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ टमाटो, बारीक कटा हुआ पनीर, बारीक कटी हुई गाजर और आधी कटी हरी मिर्ची। इन सारी सब्जियों को हम काबली चने में ऐड कर देंगे। रॉ वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी रहते हैं, पर बच्चे रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते, तो आप उनको वेजिटेबल्स इस तरह से दे सकते हैं। उनको ये सैलेड बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगने वाला है। इसमें मैंने ऐड कर दिया पनीर और हरी मिर्ची। आप चाहें तो हरी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को हम अच्छे से काबली चने में मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया तो सलाद की जान होती है, तो वो आप ज़रूर डालें। सलाद में हरे धनिए को भी हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें आप चाहें तो नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नींबू का रस ऐड नहीं किया है। चलिए हम इसकी कर देते हैं प्लेटिंग। कितना कलरफुल लग रहा है ना हमारा चिकपी सैलेड। इसमें हमने सारी वेजिटेबल्स को ऐड किया है। मैंने नींबू को ऊपर से ऐसे डेकोरेशन के लिए रख दिया है। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा वेट लॉस स्पेशल चिकपी सैलेड। ये सैलेड बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करना। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम ऐसे ही मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।